नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। जिले में धड़ल्ले से बिक रहा है एक्सपायरी ज्ञान दूध। ज्ञान दूध के पहले भी सोशल मीडिया पर एक्सपायरी दूध बेचने के वीडियो वायरल हो चुके हैं। भाजपा नेत्री मिथिलेश अग्रवाल की है ज्ञान दूध डेयरी फैक्ट्री। ग्राहक को 27 सितंबर का दिया गया एक्सपायर दूध। ग्राहक ने दूध गर्म करने पर जब वह फटा, ग्राहक ने देखी एक्सपायरी डेट। ग्राहक ने दुकानदार से इसकी शिकायत की। दुकानदार ने फिर थमाया एक्सपायरी दूध। ग्राहक ने खाद्य सुरक्षा को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के राशिद पान भंडार दुकान का पूरा मामला है, जहां पर एक ग्राहक को एक्सपायरी दूध दिया गया। यहां 27 सितंबर का एक्सपायरी दूध ग्राहक को दिया गया। जब ग्राहक ने दुकानदार से इसकी शिकायत की तो दुकानदार ने फिर थमाया एक्सपायरी दूध, जिसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। ये तुम्हारा? मेरा नाम अभिनव है। कहाँ के रहने वाले? मैं कला खेल। अच्छा, ये दूध कहाँ से लाए थे आप? ये मैं राशिद पान भंडार के यहाँ से दूध लेकर आया था। अच्छा, ये कौन सा दूध बोला जाता है? ये ज्ञान का। ज्ञान का, तो क्या दिक्कत है इसमें? जी, मैं लेने गया था तो उन्होंने देखा नहीं है, एक्सपायरी दूध दे दिया है। मैं जब यहाँ आया, मैंने देखा चाय बनाई तो चाय फट गई थी। फिर देखा कि डेट कितना था, तो फिर देखा कि एक्सपायर हो गया। ये तो दोबारा फिर लेने गए थे? दोबारा फिर लेने गए, फिर उन्होंने एक्सपायर दूध दे दिया है। अच्छा, वो कौन सी डेट का दिया? वो भी 28 तारीख का दिया है, और पहले 27 तारीख का दिया था। अच्छा, पहले 27 वाला दिया, बाद में 28 वाला? 28 वाला दिया। तो शिकायत करने नहीं गए आप उनसे? नहीं, मैं शिकायत करने गया था। क्या कह दिया? तो कह दिया कौन बेच रहा है दूध। फिर उसके बाद कुछ? अच्छा, तुमने हमने कहा था मैं आपकी दुकान से दूध लेकर गए हैं, तो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, हमारी दुकान से नहीं गया है। जी, किससे कर रहे हैं शिकायत? इसकी शिकायत हम आप जांच करने आए? अभी एक्सपायरी दूध की शिकायत मिली थी, जाँच उसके संबंध में मैंने यहाँ पर अभी दुकान में जांच की। तो दुकान में तो अभी एक्सपायरी कोई पैकेट नहीं मिला, लेकिन शिकायत करता 4 पैकेट ज्ञान ब्रांड के 27 और 28 इनकी यूज बाय डेट समाप्त हो चुकी थी। तो इन 2 पैकेट अभी मौजूद थे, उनको दिखाया, और विक्रेता द्वारा भी बताया गया कि हाँ, इनके अभी 2 पैकेट बिक्रय किए गए। उसके अलावा 2 पैकेट वेट के इनके यहाँ एक्सपायर पाए गए, जिसपे आगे नियमानुसार कार्रवाई की गई। कुछ दूध के मामले ऐसे आ रहे हैं लगातार? देखिए, दूध की सैंपलिंग लगातार की जा रही है। एक्सपायरी की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कई बार। एक्सपायरी की लगातार मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जिसका भी अगर एक्सपायर पाया जाता है, उसमें उनका चालान किया जा रहा है। एक्सपायरी बेचना प्रतिबंधित है।